युवक का अपहरण कर हत्या का प्रयास। लाल फाटक पर कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक में मारी थी टक्कर, कार में अपहरण कर ले गए। बरेली, एयरटेल कंपनी कर्मचारी की बाइक में बदमाशों ने लाल फाटक पर पहले टक्कर मार दी। विरोध करने पर कार सवार बदमाश कर्मचारी को मारपीट कर हथियारों के बल पर सरेराह कार में डालकर बुखारा के जंगल में ले गए। वहां पर हत्या के उद्देश्य से पहले खेत में चाकू से हमला कर दिया, लेकिन कर्मचारी ने खुद को बचाया, चाकू उसके पैर में लगा। इसके बाद बदमाशों ने जमकर उसकी पिटाई लगाई, जिससे उसके पैर की हड्डी में भी चोट आई है। मुंह पर कई प्रहार के बाद जब वह मरणासन्न हो गया, फिर भी मारते रहे। उधर से गुजर रहे ग्रामीणों ने प्रधान को अवगत कराया। बुखारा के प्रधान ने वीडियो बनाने के बाद बदमाशों को ललकारते हुए ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को फोन कर बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस पहले मरणासन्न युवक को थाने ले गई, उसके बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरी गाड़ी लेके मैं ऑफिस से आ रहा था, मेरी गाड़ी ठोक दी उन्होंने। मैंने उनको कहा क्यों मार मेरी गाड़ी ठोक रहे हैं, ठोका इन्होंने और मैंने उनसे कहा तो इन्होंने मारने मेरा शुरू कर दिया। और हरजाना, मैंने कहा मेरा हरजाना दे दो, इतने भी इनका साथ वाला लगा था और उन्होंने मेरे को मारा बहुत, और मार के थाने में ले जाने के चक्कर में ये मेरे को जंगल में ले गए। वहाँ से इन्हें वहाँ जंगल में बहुत मारा। गाँव के लोगों ने मुझे देख लिया मेरा मर्डर और घुटना भी करने के लिए, मर्डर करने में कसर नहीं छोड़ी। लोग इनको रास्ता नहीं मिला, जंगल का रास्ता नहीं मिला इनको खतरनाक, ना तो ये मेरा ख़त्म कर दिया। गांव के लोग थे जिन्होंने देख लिया मेरी खिड़की खुड़की धोखे से, तब मैं भगवान ने मुझे बचा लिया। और मर्डर करने में की पूरी कोशिश थी और मतलब कर ही दिया था खत्म ही था, लेकिन कैसे बच गया पता नहीं। मेरी आँख निकाल ली, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे बहुत पूरे शरीर टूटा हुआ है, सब पूरा फ्रैक्चर है मेरा पैर में बहुत, और सब हालत था। फोन कहाँ, नाम क्या था उन लड़कों का? कैलाश अजय मेरा फोन। कहाँ के रहने वाले हैं? सद्भावना कॉलोनी के। सद्भावना कॉलोनी कहाँ है? लाल फाटक के पास में है। और मेरा फोन और मेरी चैन और मेरा पर्स कंपनी का सब पैसा इन्हें मेरा निकाल के रख लिया अपने पास। किडनैप करके ले गए? किडनैप करके मुझे ले जा रहे थे, पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, लेकिन मारा मर्डर करने के ले जा रहे थे। गांव वाले लोगों ने मुझे बचाया। कुर्बानी देने को इस्लामिया मैदान में पहुंचे हजारों मुस्लिम, कोविड का किया उल्लंघन प्रशासन शांत। 300 की थी कमीशन, हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम। हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमान के कत्लेआम का ऐलान किए जाने के विरोध में आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के आह्वान पर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचकर कुर्बानी देने की पेशकश की। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कौन राम भक्त कौन रावण भक्त है, यह हिंदू समाज को तय करना है। मैं आज लड़ने नहीं आया हूँ, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपनी जान देने को आज यहाँ आया हूँ। हम जानते हैं कि जो लोग लड़ने की बात करते हैं वह लड़ नहीं सकते। हमारे देश के हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे लड़ नहीं सकते। चाइना हमारे देश में मीलों तक घुसा बैठा है, तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने देश के ही मुसलमान भाइयों को मारने की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों को डराने वाले हमको हथियार दे, कोई दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। मैं अपने हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं कि रोजाना हमारे कुरान की बेहुरमती होती है, मुसलमान की बेइज्जती होती है, हम सब उतर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, शर्म आना चाहिए, अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है, कहाँ तक सब्र करें, हम गोली खाने को तैयार हैं, देखें कौन हमारा कत्ल करता है। मैं चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम आपस में इतिहास पैदा करें, दावत का सिलसिला जारी रहे, आपस में एकता बनाए रखें। उन्होंने कहा जिस शांति से आए हो उसी शांति से वापस जाना है। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि आज तुम अपने दिल की खातिर गर्दन कटाने के लिए यहाँ आए हो, तुम वापस घरों को जा रहे हो तो गाजी कहलाओगे, सच्चे मुसलमान बनो, दीन की राह पर चलो। जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए केवल 300 लोगों को ही अनुमति की संख्या में हमेशा अच्छाई ने जीती है, बुराई हमेशा ताकतवर नजर आई है। राम बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, तन्हा थे, रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बिलाखिर रावण परास्त हुआ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हमेशा जंग होती रही है और इस जंग को कोई नहीं रोक सकता, ये जंग होती रहनी चाहिए, रहती दुनिया तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन तय हमारे हिंदू समाज को आज ये करना है कि असल में अच्छा कौन है और बुरा कौन है।
अगर हम बुरे हैं तो ये बताओ हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अजमत पर जान देने के लिए आए हैं और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। आज आपने बताइए, आज हमारा ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा पीछे हो यार। जी जी, अधर्म संसद ने ऐलान किया था कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे। हमने कहा कि तुम्हें मुसलमानों को ढूंढने नहीं जाना है, हम एक मैदान में जमा कर देते हैं, यहाँ आके हमारे भाइयों को कत्ल कर लो। तो 20,000 मैंने आज दिए हैं, लेकिन कोई न पुलिस से मरवाया गया, ना उन गुंडों से मरवाया गया। अगर हमारी मांग सही है और दुरुस्त है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये अधर्म फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने इतनी ख़राब भाषा बोली, देश की एकता को बर्बाद करने का काम किया है, उन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए। और मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूँ कि किसी भी के मजहब पे टिप्पणी करने वाले, मजहब को बुरा कहने वाले, मजहब पर उंगली उठाने वाले, रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, एक भी मुसलमान मुझे बताओ जो राम की शान में गुस्ताखी करता हो, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मानते हैं। तो एक ऐसा स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए पार्लियामेंट का, और ऐसा सख्त कानून पास किया जाना चाहिए कि इस किस्म के लोगों की जबानों पर लगाम लग सके। जिला प्रशासन के आश्वासन पर बरेली कॉलेज के स्थायी कर्मचारियों ने आज तालाबंदी समाप्त कर दी है। यह तालाबंदी स्थगित की गई है, प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है उनकी जायज मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। अरे अरे पुस्तकालय में भी तो होगा।